18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, इसको लेकर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में हैं। द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात भी की। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।